मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंजीनियरिंग। काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें चीज़ें समझ नहीं आती। आप समझ लीजिए कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते चीज़ों के साथ, रिलेट नहीं कर पा रहे होते, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, जमा तफरीक नहीं कर पा रहे होते। अपॉर्चुनिटी आती है, गुजर जाती है, लेकिन वो वेट एंड सी के उसमें रहते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ही है। एक्शन नहीं ले पाते, हेजिटेशन होती है, ट्रस्ट नहीं होता, काफ़ी सारी उनके जहन में ऐसे ख्यालात होते हैं। ये हर एक के साथ होता है। आज से 20 साल पहले जब मैं भी पहली दफ़ा इन्वेस्ट करने लगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, लेकिन मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था। मैंने पूरे पैसे दे दिए, अभी अपने नाम पे चीज़ कराई नहीं और मैंने सोचा मैंने बंदे को देख लिया है, कोई नहीं प्रॉब्लम। लेकिन अच्छा, इंसान को ना देखने से नज़र आ जाता कि यार ये बंदा ठीक है या नहीं ठीक, या ये वो, या अगर गलत हो तो वो बंदा आपका जो उसकी जो फेस रीडिंग है वही आपको बताती है कि बंदे पे ट्रस्ट नहीं करना। लेकिन अपॉर्चुनिटी आए तो उसको कैसे ग्रैब करें या कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेट करें ताकि वो चीज़ वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो जाए। ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, कुछ डील बनाने में, कुछ सौदा लेने में, बेचने में, खरीदने में, सारों में कैसे होनी है, आइए बात करते हैं। नंबर वन ये है कि जी एक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग बहुत बड़ा काम है। हम आपके सामने वीडियो लेके आते हैं, उसको आप अच्छी तरह देखें। समटाइम सब कुछ हमने सामने लिखा होता है, कीमत भी लिखी होती है सब कुछ, फिर भी लोग जो है वो फोन करके पूछते हैं कि ये इसकी कीमत क्या है वगैरह। इससे समझ आती है कि वो एक्टिवली नहीं देख रहे या सुन रहे। फोकस करके आप हर चीज का कंक्लूजन निकालें, क्या मेरे लिए फिजिबल है, क्या अट्रैक्टिव है, क्या आने वाले टाइम में इसमें जंप आएगा, फायदा होगा, क्या प्रॉपर्टी वाकई वो है, क्या मेरे कैश फ्लो में मैच करती है, नहीं लेना ना लेना एक अलग बात है, लेकिन ये कैलकुलेशन जरूर किया कीजिए। इससे क्या होता है कि आपके अंदर सलाहियत पैदा हो जाती है किसी भी चीज़ को हासिल करने की, किसी भी चीज़ को एक्वायर करने की, किसी भी चीज़ में एंगेज होने की। तो एक्टिव लिसनिंग पहली चीज़ है। जब भी आप कोई सौदा खरीदने लगें, कोई रियल स्टेट, कोई प्रॉपर्टी कुछ खरीदने लगे, तो पहले सुने चीज़ों को। और आज क्योंकि डिजिटली हम आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं तो बहुत आसान हो गया, आप अपनी कंफर्ट में अपने एनवायरनमेंट पे बैठ के उसको अच्छी तरह से एक्टिव लिसनिंग करके पहले उसको सारा कुछ समझ लें और उसके बाद आप कैलकुलेशन करें और फिर डिसीजन करें। नंबर दो ये है जी क्लैरिटी। इन्वेस्टमेंट करते हुए, प्रॉपर्टी को सुनते हुए, कम्युनिकेशन उनके साथ करते हुए क्लैरिटी आपके जहन में होनी चाहिए। क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त है। अगर क्लैरिटी होगी ना तो अगर बंदे में ना जिंदगी में, मैं हमेशा कहता हूँ जितने लोग गरीब हैं, जितने पीछे हैं, जितने पसमांदा हैं, जितने बेरोजगार हैं, जितने बीमार हैं, उनकी जिंदगी में क्लैरिटी नहीं है। जब आपको क्लियर हो गया ना कि भाई ये फूड खाना है, ये सोने जागने के औकात हैं, इतनी एक्सरसाइज मिनिमम करनी है, ऐसे लोगों में उठना बैठना है, काम दिलजमी से जिम्मेदारी से करना है, इसके अलावा कोई अदर रास्ता नहीं है, ये क्लैरिटी है। अगर ये किसी में क्लैरिटी आ गई वो कैसे कामयाब हो गया। इसी तरह प्रॉपर्टी खरीदने में कम्युनिकेशन में क्लैरिटी चाहिए। अगर क्लैरिटी आ गई तो अफेक्टिव हो गए, क्लैरिटी आ गई ज़्यादा अंडरस्टैंड कर जाएंगे, अच्छा फैसला कर पाएंगे। नंबर थ्री ये है कि जी डिटेल्स। फिर आपने तफसीलात में जाना है कम्युनिकेशन में, किसी भी चीज़ को समझने में, जमा तफरीक करने में, फिर आप डिटेल्स में जाएंगे। जितनी ज़्यादा डिटेल, जितनी ज़्यादा रिसर्च, जितनी ज़्यादा आप जो है ना ये कर लेंगे नंबर्स, जितना ज़्यादा कर लेंगे उतना इन्वेस्टमेंट करने में आसानी होगी और उतनी बेहतर इन्वेस्टमेंट होगी। तो नंबर थ्री डिटेल्स है कि अगर आपने कोई चीज़ लेनी है और कम्युनिकेट करना है तो वो डिटेल्स हासिल करें, सो दैट कि आप कैलकुलेशन कर सकेंगे कि कैसी इन्वेस्टमेंट है और कैसी प्रॉपर्टी है। नंबर चार ये है कि जी इंटरएक्टिविटी। फिर आपने इंटरेक्ट करना है जो भी बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं हमारे साथ, कि भाई ये क्या डिटेल्स हैं, ये किस तरह होगा, ये क्या आपका सिस्टम है, किस तरह से चीज़ें होती हैं। एक बात याद रखें, एक ही दफ़ा जो है ना, जब आप सारी चीज़ें पूछ लें, पूछ के और फैसला कर लेते हैं तो आप उस बेनिफिट के हकदार हो जाते हैं। जो साल में आए, डेढ़ साल में आए, बेनिफिट आपको उस चीज़ का पहुँचना ही पहुँचना है अगर आपने पूरा प्रोसेस से गुजर के इंटरेक्टिविटी आपने कर ली है। और कम्युनिकेशन में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप उसको रीफ्रेज कर लें, बात को दोबारा से अंडरस्टैंड कर लें, सो दैट कि आपकी क्लैरिटी हो जाए और आप उसको इंटरेक्टिविटी के साथ जो है अपनी जो अभाव है उसको क्लियर कर लें, सो दैट के सुनने वाला या आप दोनों एक पेज पे हो जाएं ताकि हम आगे बढ़ जाएं। नंबर पाँच ये है कि जी रिस्पेक्ट। चीज़ों को रिस्पेक्ट दें, इंसानों को रिस्पेक्ट दें, किसी भी डील को, सौदे को रिस्पेक्ट दें।
अगर कोई चीज बेच रहा है ना, हमारे पास लोग बेचने वाले भी और खरीदने वाले भी आते हैं। अगर कोई चीज बेच रहा है और वो अपनी चीज को ओवर प्राइस बता रहा है या उसकी ख्वाहिश है कि उतनी की बिक जाए, जल्दी या बादेर उसको पता तो लग जाएगा कि उसकी मार्केट वैल्यू इतनी है और वो इतनी मांग रहा है, वो सही है, लेकिन उसको रिस्पेक्ट जरूर दें। किसी की प्रॉपर्टी या किसी की जो चीज है वो बड़ा, उसने उस पर बड़ा प्रोसेस इन्वॉल्व करके वो हासिल की हुई है और वो आपके सामने लेके आ रहा है, तो जो रिस्पेक्ट है। और फिर अगर कोई बात आपको बताने लगा तो उसकी बात को रिस्पेक्ट दें, वैल्यू दें, ठीक है ना। वो आपका वेल्यूशन है, उसे क्या जरूरत पड़ी थी आपको इतना कुछ बताए, समझाए, बताए, लेकिन वो नेचुरली एक अच्छा सोल है, वो आपको हेल्प कर रहा है, आपको एजुकेट कर रहा है, आपको फैसिलिटेट कर रहा है, आपको के लिए क्लैरिटी ला रहा है, आपके लिए वो काम कर रहा है, तो उसको रिस्पेक्ट दें। तो ये कम्युनिकेशन में, किसी चीज़ को खरीदने में, किसी चीज़ को उस पर आगे बढ़ने में, हाँ जी, उसके साथ इंटरेक्ट करने में, ये बुनियादी बातों को ख्याल रखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।